आखिर वो घड़ी आ ही गई, TNPL की फाइनल मैच है। आज की मैच में तीन ऐसे खिलाड़ी है जो बहुत नामी है मगर फ्लॉप होने वाले, ये जान लीजिए क्यों, क्योंकि मैं बताता हूं आगे आपको प्रेडिक्शन में दिखाई देगा, आपको भी हाँ सही बोल रहा है ये बंदा, ठीक है। उससे पहले आपको एक जवाब देना है, LKK या NRK, फाइनल लिखिए कमेंट बॉक्स में फाइनल, उसके बाद LKK या NRK दोनों में से मैच जीतेगा कौन, जो दिल की आवाज निकल रही है ना उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आज, ठीक है। अब भाई अगर बात करें वही तो भाई इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड यहां पर 12 जुलाई 7:15 पे मैच खेला जाएगा, तो तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मगर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई कि आपके दिल से आखिर कौन आवाज निकल रहा है, LKK या NRK, ठीक है, फाइनल लिख करके जरूर लिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, यहाँ पर आपके लिए मैं 7 चीजें लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही मदद करने वाली है, मैच डिटेल्स, पिच एनालिसिस, स्पेशल बॉलर्स, बहुत अहम रहेगा बॉलर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस पर, टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स मिल जाएगा, ऑल प्लेयर स्टेटस, सभी का स्टेटस मिलेगा, प्लस में प्लेयर बैटल दूंगा मैं जो किसको कौन किसको आउट कर रहा, और की प्लेयर्स GL and SLT, बहुत ही हाई प्रोफाइल मैच होने वाला है, तो बहुत ध्यान से आज की इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और हिसाब से टीम बनाएगा, थोड़ा सा प्राइस पोल भी ज्यादा रहेगा, ठीक है, समझ गए। एक लाइक वीडियो में करिए जिससे कि बोहनी बट्टा अपना एकदम मस्त चकाचक बना रहे और टनाटन प्रोडक्शन आप सुन करके जाएं यहां से कि लगे भाई वाकई में कुछ सुन करके आए, कुछ देख करके आए, ठीक है। आइए स्टार्ट करें यहाँ पर। देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस टीम से खेलता हूँ ना वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पे देता हूँ, देखिए जो पुराने लोग तो ले रहे हैं वहां टेलीग्राम से, जो नए लोग हैं ना उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, जैसे ये वीडियो है ना, अभी जो वीडियो चल रहा है ना जस्ट मैं वहां पर दिख रहा हूँ, उसके नीचे एक टाइटल लिखता होगा, ठीक है, जैसे कि NRK और LKK, ठीक है, ये है ना लिखा हुआ ऐसा करके, उसके बाद यहाँ पर मोर दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा यूट्यूब का, यहाँ पर ये लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर टेलीग्राम आ जाएगा, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, और उसके बाद एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी आपका यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देखते हैं रोज रोज आना देखते हैं भाई, तो इसको भी कुछ दीजिए भाई, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए बस, ठीक है, इतना कर देंगे आपका काम यहां पर हो जाए, मैं आपको टीम भी दे दूंगा, टॉस का अपडेट भी दे दूंगा, सब कुछ दूंगा, मगर हाँ एक चीज बोलूंगा, पैसा मत दीजिएगा बस, सब मैं करवाता हूं, पैसा वाला काम आपसे नहीं करवाता, ठीक है, और ना मेरे नाम पे किसी को दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल बन चुके हैं एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी के नाम पे, फालतू पैसा लगा सब आपसे, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे कभी पैसा का मतलब कि वो करता ही नहीं, क्या बोलते हैं गुजारिश, जो भी मतलब समझ लीजिए वो चीज मतलब आता ही नहीं कर रहा, यही तो दिक्कत है, इसलिए बोल भी नहीं पा रहा हूँ भाई, पैसा मैं कैसे क्या बोलते पता नहीं यार, छोटा मैं पैसा नहीं देने का, ठीक है। अब देखें यहाँ पर पिच रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कि भाई पिच रिपोर्ट कैसा है सबसे अहम चीज, तो एवरेज यहाँ 140 से 160 के बीच में थोड़ा सा रन बन जाता है, हाँ हाईएस्ट है कितना 208 पे 5 विकेट गिरा है, और लोएस्ट यहाँ पर 71 रन पे 10 विकेट गिरा है, मतलब 70 रन कभी नहीं बना, 71 तक बना है लास्ट यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप का पिच यहाँ पर चलता है। सुटेबल फॉर किसको किसको कर रहा है, देखिए स्लो पिच है 2 स्कोर रन, मतलब थोड़ा सा स्लो पिच है मगर स्कोर भी थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है, और प्रेशर एंड स्पिनर दोनों को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। फर्स्ट में अगर मान लीजिए बैटिंग जो कर रहा है तो 185 पे 5, 146 पे 6 और 160 पे 5 विकेट गिर जाता है, मगर टू एंड में 191 पे 3, 135 पे 2 और 156 पे 6 विकेट इस टाइप का गिरता है, मिला जुला के विकेट गिरने का प्रोसेस सेम सा है, मगर हाँ थोड़ा सा सेकंड इनिंग में थोड़ा सा कम है, ठीक है। विकेट स्टेटस की बात करें कौन मतलब यहाँ पर किस टाइप के बॉलर चलते हैं अच्छा खासा जिसको आप लेके जाने, और जो मैं बोला अहम बहुत अहम रहने वाला बॉलर जो मैं बताने वाला आपको, तो यहाँ पर देखिए 11 मैच को मैं कंपेयर करके लाऊ, कि आसान चीज नहीं है, एक लाइक मांग रहा तो कोई बड़ी चीज नहीं मांगता आपसे, ठीक है, ये 11 मैच को जाके देखना पीछे आसान चीज नहीं, उसको मैं कवर करके यहाँ पर लेके आता हूँ भाई। पेसर देखिए 63 विकेट लिया है, तो स्पिनर यहाँ पर 57 विकेट लिया, मिला जुला के दोनों बराबर, इसलिए यहाँ पर मैंने बूथ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेनू T20 स्टैटिक्स की बात करें, टोटल मैच यहाँ पर 64 है और बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 30 है, तो बैटिंग सेकंड यहाँ पर 32 जीता है, मिला जुला के बराबर है, मगर अभी रिसेंट में कुछ थोड़ा सा ताम झाम मतलब चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बैटिंग यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न भी डाले, तो भाई 26 रन यहाँ पर मतलब 26 बार 150 से नीचे रन बना है, ठीक है ना, 150 से नीचे मतलब इसमें 149 130 120 110 जो भी हो सकता है, ठीक है, मगर 150 से नीचे मानिएगा, 51 मत मानिएगा इसको, ठीक ना। उसके बाद बिटवीन 150 से 169 20 बार है और 170 से 189 13 बार है, एबव 190 से ऊपर 5 बार बना, मतलब इतना के बीच में 170 तक जाते जाते बारे में बहुत बार हो गया, 26 यहाँ पर, ये 13 36 39 20 यहाँ पर, तो मतलब बहुत करके मतलब 59 बार तो ऐसे ही हो चुका है ना, तो ऐसे करके वहाँ पर इस टाइप का बना हुआ, हो सकता है कल समय यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, मगर ज़्यादातर 150 रन तक बना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ देखिए ये रिसेंट मैच वेन्यू का मतलब कैसा यहाँ पर रिसेंट मैच हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 10 जुलाई को हुआ DD vs NRK के बीच में, जिसका मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ NRK, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उसको, तो NRK के बीच में यहाँ पर 185 5 विकेट 20 ओवर में, ठीक ना, 191 बना दिया 3 विकेट में और 20 ओवर, मतलब कह सकते हैं DD यहाँ पर जो खेली है
फर्स्ट में इनका विकेट 5 गिरा, इनके यहाँ पर 3 गिरा, मगर एनआरके जीती है यहाँ पर, इसीलिए फाइनल पहुंचे भाई। एनआरके अच्छी टीम है तभी तो पहुंची है ना, है ना। पेसर्स यहाँ पर देखिए, पेसर 4 स्पिनर 1 लेके गया फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में भाई पेसर 0 है, स्पिनर 2 ले गया। सेकंड इनिंग कौन कराया वो बॉलिंग, ये कराया बॉलिंग, ठीक है, याद रखिएगा, सेकंड इनिंग बॉलिंग ये कराया, ओके। फर्स्ट इनिंग जो है कि ये जैसे यहाँ बैटिंग कराई है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, तो सेकंड कौन कराएगा इसको बॉलिंग, है ना। सॉरी ये मेरे से भी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये चीज़ यहाँ से ये देखिए ये करवाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, है ना, बहुत लोग समझने में मिस्टेक हो जाता है, हालांकि मैं समझा देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इसलिए मैं सोचा कि एरो मार के ही दिखाता हूँ, मैंने आज खुद उल्टा मारा एरो, इसलिए उल्टा हो गया आज, ठीक है। तो ये मतलब फर्स्ट कह सकते हैं बॉलिंग कर रहा है, ओके, ये बैटिंग कर रहा था, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इसका हो गया, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 5 विकेट गिरा हुआ है। सेकेंड में यहाँ पर इसकी ऐसे आकर के ये हो गया, ऐसे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये 2 विकेट है, 1 विकेट मान लीजिए किसी हिसाब से गिरा होगा इसमें, 2 विकेट को दर्शाया गया है। यहाँ पर SMP वर्सेस ITT का 160-156 यहाँ पर भी, ठीक ना, 5 यहाँ पर 6, मतलब मिला जुला के उतना ही विकेट गिरा, मगर यहाँ पर पेसर को 4, यहाँ पर स्पिनर को भी 2-4, मतलब मिल ही जा रहा विकेट, मिला जुला कह सकते हैं, यहाँ पर भी 4 है और विकेट 6-2, मतलब कह सकते हैं 4 मैच को हम लोग कंपेयर किए तो यहाँ पर 10 विकेट ज़्यादातर नहीं गिर रहा, ठीक है। लोगों का मतलब TNPL में मतलब बहुत सारा ऐसा पिच पे हुआ है मैच जिसपे 10-10 विकेट गिरा, तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा, यहाँ पर 10 विकेट उतना ज़्यादा नहीं गिर रहा, ठीक है। वैसे भी ये फाइनल है, थोड़ा सा दोनों तरफ से दम लगेगा, ये तो बात सही है, बैट्समैन भी दम लगाएंगे और बॉलर भी दम लगाएंगे, देखते हैं कौन बॉलर आखिर दम लगा सकता है यहाँ पर। देखिए 11 मैच को टोटल अगर कंपेयर करें तो कौन बॉलर यहाँ पर अच्छा चलता है, देखिए यहाँ पर 0 ये राइट आर्म फास्ट का, उसके बाद राइट आर्म फास्ट मीडियम 33 विकेट यहाँ पर लेकर गया, ठीक है, उसके बाद है तो 37 विकेट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का है, और यहाँ पर राइट आर्म मीडियम का 24 विकेट है, तो इन तीनों को मिलाकर कहीं अपना टीम को जो है कि सजाइए धजाइए, बॉलर को लेके जाइए, बाकी इन लोग को भी मिला है विकेट, ऐसा नहीं है, मगर कम कम मिला है, ठीक है, इन तीनों पे ज़्यादा निर्भर करेगा, बाकी अगर क्वालिटी वाला स्पिनर मिलता है तो चलिए उसको भी हम लोग पिक करेंगे अपने टीम में, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा टीम बनाने में, उसके बाद मैं तो प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे आपको PDF भी, टेंशन मत लीजिए, मतलब टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें आती है भाई, उसके लिए तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। अब इन दिनों के बीच में जो मैच हुआ है इसके बारे में देखिए, 7 मैच हुआ टोटल, 4 मैच यहाँ पर LKK जीती है, उसके बाद यहाँ पर NRK जो है कि 3 मैच जीती है, 9 रिजल्ट में 0 इनका, इनकी अगर रिसेंट मतलब कह सकते हैं परफॉर्मेंस कैसे चलती है, देखिए यहाँ पर LKK का लॉस है, उसके बाद विन विन वी, फिर यहाँ पर लॉस है, और यहाँ पर NRK का विन विन विन, यहाँ पर लॉस विन, मतलब कह सकते हैं LKK थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है NRK के, क्योंकि इनके 4 बार जीत है, इनके 3 बार जीत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये बल्लेबाजी जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करके खेलता हूँ, अच्छा खासा इनकम, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं 50K का लीडर बोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लूडो के लिए लीडर बोर्ड, यहाँ पर देखिए 10% एक्स्ट्रा मतलब मिल रहा है आपको, जो है कि कैश जो है ना, आप जब डालते हैं 1000 रुपये डाल रहे हैं तो 100 रुपये आपको मिल गया एक्स्ट्रा में, कोई एप्लीकेशन नहीं देता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर खेलता हूँ भाई। और भी चीज़ें देखिए यहाँ पर है ना, 50,000 का यहाँ पर भी है लीडर बोर्ड लूडो खेल करके, यहाँ पर देखिए 50 से नीचे खेलते हैं तो 20,000 का, 50-100 से ऊपर खेलते हैं तो यहाँ पर 30,000 का है, ठीक है, ऐसा करके यहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया हुआ, 8 से 14 जुलाई तक है ये, ठीक ना। उसके बाद अपना अगर फैंटेसी की बात करें तो यहाँ पर भी दुनियादारी का फैंटेसी बहुत है भाई साहब, 39 है यहाँ पर, 39 का लीग में मेगा लीग कर सकते हैं, 1,00,000 का कंपटीशन कम है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, ठीक है, 3,333 लोग में सिर्फ कंपटीशन करना है, बस 1 करोड़ लोग से नहीं करना, ठीक है, इतने लोग से करके आप आराम से जीत सकते हैं। यहाँ पर 999 का भी है, स्पोर्ट्स छोटा वाला है मगर 10 का भी यहाँ पर है, 10 का 10K मिल जाता है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जीत करके ये वाला मैसेज करते हैं कि भैया मेरा पैसा पूरा खत्म हो गया था, मगर आपने जो बताया बल्लेबाजी ना उसमें मैं 10 रुपये ही लगाया, आराम से 10,000 जीत गया, बहुत दिन मैं खेल सकता हूँ आराम से, ऐसा करके। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, खेलेंगे तब देखिए, कुछ करेंगे तब होगा, ऐसे सोच करके कुछ नहीं होता। तो मैं तो बोलता हूँ अभी डाउनलोड कीजिए, 50 रुपये साथ में ले जाइए खेलने के लिए, प्लस में 10 दिन 5 दिन आप ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा बल्लेबाजी है क्या चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ में मिलता है भाई साहब, स्टेट्स फैंटेसी वगैरह सब है, देख रहे इसमें सिर्फ जवाब देके यस नो का जवाब देके आप पैसा भी कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना आप लगा के पैसा इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। फैंटेसी ज्ञान दिखाने यहाँ दिखाएंगे ना, हर एक चीज़ मिल रहा है यहाँ पर। अब देखिए LKK का यहाँ पर प्लेइंग 11 है, जो कि ये लोग फाइनल तक पहुँचने में बहुत ही हेल्प की है अपने टीम को, ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो आइए देखते हैं कौन आखिर किसमें अच्छा प्रदर्शन कितना किया हुआ, इस वेन्यू पर कौन अच्छा किया हुआ, जिसको हम लोग अपने टीम में ले करके जा सकते हैं। इस सुजय की बात करें, देखिए 5 मैच है, 40 का एवरेज इनका है, उसके बाद हेड टू हेड में 2 ही मैच खेले में 2 का एवरेज है, अच्छा मतलब हेड टू हेड में नहीं चला हुआ है। विंडो पे 4 मैच खेल के 55 रन, 18 का एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 12, 4, 44, 31 और 72। देखिए इधर 3 मैचों में जो बहुत अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस बंदा किया हुआ, मैं वेन्यू पे थोड़ा सा आकर के यहाँ पर 4 में 18 हेड टू हेड में मतलब नहीं चल पाता है ना, और 4 में 18 है, थोड़ा सा संदेह तो बना हुआ भाई इसके ऊपर,
तो इसको हम स्टार्टिंग से अभी से ही इंपैक्ट प्लेयर में रखेंगे भाई, अगर होता है मेरे लायक तो मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर टीम में डाल के इनको दूंगा, नहीं तो फिर इनको छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि हालांकि परफॉर्मेंस ठीक है पुराना, मगर रिसेंट का और वेन्यू देख के मेरे को थोड़ा सा शक लग रहा है। बाकी अगर इनसे कोई अच्छा मिल जाता है हमको तो हम ले लेंगे, नहीं तो इनको लास्ट में हम लेकर के जाएंगे, टीम दिखाएंगे आपको टेलीग्राम पे जो देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए सुरेश की बात करें, 27 है यहाँ पर, 41 का एवरेज है हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 50 का है, रिसेंट परफॉर्मेंस में तो बहुत अच्छा है भाई साहब, देखें सब जगह इसका सही है, 41 हेड टू हेड भी है और 50 ये भी है, वेन्यू पर भी हेड टू हेड, मतलब आमने सामने दोनों का टीम में, जैसे एलकेके और एनआरके के बीच में मैच हुआ है ऐसा करके यहाँ पर हेड टू हेड, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये बंदा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है टीम के, टीएनपीएल के हिसाब से ठीक ठाक है, 26, 64, 4, 29 ऐसा करके तो ठीक ठाक है ना। हाँ ये है, ये आपके लिए जीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इतना मैं बोल दूंगा अभी से, क्योंकि जीएल में ऐसे ही लोग जिताते हैं, याद रखिएगा। हमेशा आप देखे होंगे कि भाई जिसको कोई मतलब नहीं छोड़ रहा वही आ गया 4 विकेट 6 विकेट से लेकर चला जाता है ना, तो ये चीज़ होती है इसमें। अब सचिन का देखिए, इनका अगर बात करें यहाँ पर तो 30 है, यहाँ पर तो 0 है भाई, हेड टू हेड में नहीं है इनका, वेन्यू पर भी एक मैच खेल के 67 रन बनाए हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस में 70, 67, 14, 0 और 2, इनका तो मतलब क्या ही बताएं, इनका टॉप गियर लग गया है, पीछे से कुछ नहीं था, ठीक है, पीछे से कुछ नहीं था, उसके बाद यहाँ से सीधा टॉप गियर, पता ना कहाँ से क्या खा करके आ गया कि बस स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे लोग बहुत डर लगता है, लेना भी नहीं लेना भी है, ये भी चीज़ में इनमें आता है, ठीक है। तो अगर बात करें जीएल के, तो जीएल के लिए तो मैं रिस्क लेकर लेके जाना पड़ेगा एक टीम में, अगर ना हो सकता तो एक टीम में आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा, ये सबको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए भाई साहब, ठीक है। आर का राम का बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 16 एवरेज है, 18 है यहाँ पर, एक में एक ही है, उसके बाद रिसेंट में 2, 1, 50, 90, 4 और 2, मतलब 5 बार में एक बार चलने वाला खिलाड़ी है ये राम, ठीक है। तो यही है ना जीएल, देखिए टीएनपीएल का सिस्टम यही है कि बहुत ऐसे प्लेयर आपको कम मिलेंगे जो कंसिस्टेंट रह के चला हुआ, कभी ये तो कभी वो, कभी वो, कभी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, हम खुद कभी कभी कन्फ्यूज लग किसको ले किसको छोड़े, इसलिए उठा के एसएल लगाते हैं, जैसा हड़ा दुनियादारी एसएल में अच्छा खासा जीते भाई, एक पॉइंट में मेरा ज़्यादा आ गया था, हम अगले बंदे से जीत गए, बात खत्म हो गया, 1,500, 2,000 जो भी है लगा के निकाल लिया है ना, इसलिए ऐसे भी खेला कीजिए आप लोग बल्लेबाजी, बहुत अच्छा कमाई होता है। शाहरुख खान की बात करें, देखिए 14 विकेट यहाँ पर लिया 8 मैच में, ठीक है भाई, 6 मैच में 4 विकेट है, मगर 161 रन भी है साथ में वेन्यू पे, 13 मैच खेल के 4 विकेट है, 326 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2 पे 1 है, 53 पे 2 है, 1 पे 2 है, उसके बाद 18 नमाज पे 2 है, फिर 2 है, मतलब हर दिन 1-1 विकेट 2-2 विकेट बंदा लेकर के गया था, टीम के लिए इंपॉर्टेंट ये तो बनता ही बनता है ना, मगर ये है कि वेन्यू पे भी ठीक है, चलो 13 मैच में 4 विकेट चल रहा हो, 326 रन तो है ना, है ना, तो चलिए लेके चलते हैं। उसके बाद मुकलेश की बात करें तो 1 विकेट लिया 8 मैचों, मतलब ज़्यादा इनको मिला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 3 मैच खेल के 62 रन बनाए हैं वेन्यू पर, और 4 मैच में 31 रन है, और रिसेंट परफॉर्मेंस में 44 है यहाँ पर, 34 है यहाँ पर, 9 है मुकलेश, अभी इनको भी ड्रॉप करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर एम मोहम्मद, इनकी बात करें 4 में 6, 16 में 8 विकेट है, 214 रन भी साथ में है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 3 पे 2 है, 1 पे 0 है, 1 पे 1 है, उसके बाद 1-1-1, चलिए बॉलिंग के हिसाब से अगर लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं बॉलिंग के हिसाब से, 4 में 6 विकेट ठीक है, हेड टू हेड ठीक है, और वेन्यू पे भी लगभग 8 में 16, मगर ठीक है मानेंगे इसको, क्या कहीं कह सकता है भाई, यहाँ पर तो मोहम्मद सिराज तो नहीं ना आ जाएंगे ना, यही सब मिलेगा है ना, तो इसी में से छाँट छूट के अपने को लेके जाना पड़ेगा, तो ये मोहम्मद को अभी रखते हैं, ठीक है अभी रखते हैं इंपैक्ट में यार, अभी छोड़ देते हैं इनको, अगला टीम के जब देखेंगे ना उसके बाद से अपने को 11 प्लेयर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको शामिल करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर अतिक की बात करें, देखिए 72 रन मारे 7 मैचों में, यार मज़ा नहीं है यार, है ना, कोई मज़ा नहीं, हालांकि 31-13 यहाँ पर है ऐसा, मगर वो चीज़ जो चाहिए मेरे को जीएल में वो चीज़ नहीं है ना, एसएल में भी नहीं काम कर सकता बंदा, हो उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर सुब्रमण्यम की बात करें, 7 विकेट लिया 8 मैचों में, और 1 में 1 है, 1 में 1 यहाँ पर भी है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-1-1-1 मतलब 0 यहाँ पर, कह सकते हैं 1-1 विकेट के लिए आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर आपको अदरवाइज दूसरा बॉलर मिलता है जो 2-2 विकेट 3-3 विकेट छटका रहा है, बेशक एक आध बार फेल हो रहा तो आप उसको लेके जा सकते हैं, नहीं तो एसएल के लिए तो मतलब 1 विकेट के लिए आप इनको लेके जा सकते हैं, रिस्क अगर नहीं लेना तब, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ है, तो भाई 8 में 10 है, 4 में 4 है, वेन्यू पे 8 में 9 है, और रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-3-1-2-3, ये अपना जीएल के लिए बनेगा बंदा, ठीक है ना, जीएल के लिए अपना ये बंदा बनता है, ओके। और सिद्धार्थ को हो सकता है तो सीबीसी भी आप दे सकते हैं, क्योंकि 3-3, 6-6 विकेट 2-2 विकेट लेना आम बात नहीं है। ये युधेश्वरन की बात करें, तो भाई 6 पे 8 है, उसके बाद 1 पे 3 है यहाँ पर, 1 मैच खेल के 3 विकेट ले गया बंदा हेड टू हेड में, ठीक है, और वेन्यू पे 1 मैच खेल के 2 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2-2-2-1 यहाँ पर 0 और 0, इधर का अगर छोड़ दे तो यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक है, तो जीएल के लिए इनको भी आप पिक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो देख सकते ये बेंच प्लेयर और प्लस में ये साथ में ये कुछ इंपैक्ट प्लेयर आपके लिए, ठीक है, इंपैक्ट प्लेयर, इसमें से कौन इंपैक्ट प्लेयर आता है आगे आपको हम
दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करिए स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, जो समझ में आएगा भाई डेथ कौन है, स्टार्टिंग कौन, जो कि डेथ में बहुत ज्यादा विकेट गिरता है, तो ये पहले स्टार्ट देखते हैं कौन है भाई यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कन्नन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सिद्धार्थ और शाहरुख खान ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सुब्रमण्यम, सिद्धार्थ और यहाँ पर युधेश वरन एंड करने वाला। तो ये एंडिंग वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से, ज़्यादा विकेट के चार्ज रहा। मगर यहाँ टीएनपीएल में देखा गया कि स्टार्टिंग में भी बहुत कम, मतलब कि 40 रन पर 6-6 विकेट भी हम गिरते थे देखे हैं यहाँ पर। तो टीएनपीएल है भाई साहब ये, ओके बहुत हिसाब से टीम बनाइएगा। बाकी मैं टेलीग्राम पर अपने से पूरी कोशिश करूँगा, जो मैं टीम खेलता हूँ वो चीज़ आपको मैं देता हूँ खुद से, जो भी देखिए कोई भी हो हम ही खेल रहे हैं वो चीज़ अगर आपको मैं दे रहा हूँ तो मैं भी खुद हारने की टीम नहीं बनाता है ना, मेरे को भी जीतने का होता है। ठीक है, मगर होती है कभी कभी इसलिए क्या है कि ना वो परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाता, जिस पे पूरा भरोसा है ना वो कर ही नहीं पाता, पूरा भरोसा तोड़ देता है, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लेयर बैटल, कौन किसको आउट करा, पोए मंजी देख सकते हैं यहाँ पर सुरेश को। ठीक है, और वॉरियर भी एक एक बार आउट किए, 3-3 बॉल पर, 13 बॉल पर, देखना 2-2 बॉल पर, तो क्या इसकी टीम बन सकती है बताइए, खुद से बताइए कोई क्या कर सकता है, 4 बॉल, 19 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, ऐसे कोई आउट होता है, अरे कम से कम 20 बॉल 30 बॉल खेल उसके बाद जाओ, है ना, कम से कम 30-40 रन बना दो। मैं नहीं, यहाँ पर 19 बॉल, 2 रन, 21 रन, ऐसे करके 6 रन, 8 रन, 18 रन पे जा सकते हैं ये लोग, ऐसा करके इनका प्लेयर बैटल है और ये खिलाड़ी इनको आउट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, आगे अगर बात करें देखिए यहाँ पर ये नेल्लई रॉयल्स किंग्स का पूरा प्लेइंग 11 है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसमें से आखिर किसको हम लोग लेकर के जा सकते हैं, बाकी आपका फाइनल टीम भी यहाँ पर वीडियो में दिखाई देने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पी सुगेंद्रन, ठीक है, यहाँ पर 4 मैच खेल के 35 का एवरेज, इनका हेड टू हेड कुछ नहीं है वेन्यू पे, 2 मैच खेल के 25 है, 12.5 का एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 22-2 नवाद है, 11 नवाद है, 1 है। देखिए अगर बात करें टेक्निकली तो लेके जाने लायक बंदा ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 मैचों में सिर्फ 22 रन का यहाँ पर बड़ा लीग है, बाकी और कुछ भी बड़ा नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्तिक की बात है भाई, 29 का, 60 का और 39 का यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस में 26, 18, 13, 39, 104 नवाद है, तो 104 ये देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाता है सबसे बड़ा प्लेयर है ही, प्लस 39-49 कुछ दे के जा रहा है, मतलब 20-25-30 रन दे के जा रहा है, तो इनको अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं अरुण कार्तिक को। ठीक है, अब यहाँ पर निदेश की बात करें तो 64 रन है, 19 रन है और 26 रन एवरेज का रिसेंट परफॉर्मेंस में, 26, 76, 35, 13। ठीक है, ये भी मैं बंदा ठीक ठाक है, एक आध बार फेल हुआ है बाकी चला ही है। ठीक है, अजितेश की बात करें तो यहाँ देखिए 76, 55 और 21, 210, वाह क्या कमाल है भाई साहब, यहाँ पर 73 नवाद है, फिर 50 है, 56 है, 17 है, 3 है, 3 भी कभी कभी आ जाता है नवाद, खैर चलेगा मगर ठीक है, जीएल के लिए बंदा लेकर के जा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऋतिक यहाँ पर 24 है, 28 है, ठीक है, और वेन्यू पे 57 नवाद है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 39 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मगर यहाँ 18, 26 है, तो चलिए मिला जुला करके 18, 26, 18, 29 दे दे रहा है, कम से कम इनको भी आप अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि दे रहा है कुछ, ऐसा नहीं कि जीरो पे जल्दी नहीं जा रहा बंदा। ठीक है, यहाँ पर आकर कुछ देना मतलब है। सोनू यादव, इनकी बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर 9 विकेट है, 9 में 8 में 11 विकेट है, वेन्यू पे 14 में 12 विकेट है, 108 रन भी साथ में, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2, 17 पे 1 है, 1 है, फिर 22 है, फिर 0 है। सोनू यादव का उतना परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, मगर फिर भी रिसेंट में 14 पे 12 विकेट लेके गया वेन्यू पे, तो विकेट मतलब इनको मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है अदर वेन्यू पे खेलेंगे बात अलग, मगर अगर वेन्यू की बात करें तो विकेट मिल रहा है, तो सोनू यादव के लिए चलिए टीम में पिक करिए इनको। ठीक है, सोनू यादव को, उनके बाद यहाँ पर सूर्य प्रकाश 16, यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज में 23 है, यहाँ पर 24 है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0, 22, 0, यहाँ पर मौका नहीं, यहाँ पर मौका नहीं, यहाँ तक बैट्समैन को बहुत कम थोड़ा सा मौका मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं मिल रहा। उसके बाद एन हरीश की तो 6 में 2 है, 3 में 1 है, 9 में 6 है और रिसेंट परफॉर्मेंस में 0, 0, 1, 0, 0, ये तो मतलब कह सकते पूरा मतलब नाके डुबा के रख दिया जवान यार, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए मोहन प्रशांत 9, 7 और यहाँ पर 8 पे 4 विकेट और वेन्यू पे 17 पे 21 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0, 1, 1, 1, 1, 17 पे 21 विकेट कैसे मिल रहा भाई, एक एक हालांकि पहले का होगा तब ये। ठीक है, चलिए फिर भी वेन्यू पे इनका थोड़ा सा तजुर्बा अच्छा है, 17 मैच खेलना मतलब कुछ कहलाता है। ठीक है, इसके लिए लेकर चलेंगे हम लोग। संदीप वॉरियर, इनकी बात करें 3 है यहाँ पर 9 में 3, यहाँ पर भी है 3 में 4 और 5 में 4, यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस में 1, 0, 1, 0, 1, कभी चलना है कभी नहीं चलना है, तो इनको तो छोड़ ही सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो इनसे अच्छा है। पोएमंजी की बात करें ये ठीक है, 1, 1, 2, 1, 3 तो ये भी ठीक है, मतलब मिला जुला कर 2 मेरे को सीबीसी के लायक यहाँ पर 2 से 3 दिखाई दिए, जिसको मैं बताइए एक तो ये भी अपना सीबीसी के लायक आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये बेंच प्लेयर कौन किसको यहाँ पर देख सकते हैं, कभी भी किसको लाता है यार कौन समझ में नहीं आता इसका, टीएनपीएल के बात ही अलग है यार। एक बार तो ऐसा हुआ था ना, मतलब 2 बार हो गया ऐसा सारा, एक बार लिए
अरे आईबे ने क्या खेलना, जीरो का जीरो रह गया, उसके बदले में दूसरा को उठा के भेज दे, दो तीन को प्लेयर डालता है ना टीएनपीएल में, अब किसको ले आए कोई पता नहीं, अब तीन प्लेयर थोड़े आदमी इंपैक्ट से उठा कर रख सकता है यार, एक ही रखेगा उठा किसी को भी, तो ये चीज़ होती है ठीक है। स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर में संदीप वारियर, सोनू यादव और मोहन प्रशांत है, और उसके बाद मंजीत, सोनू यादव और संदीप वारियर, ये इंड, और ये कह सकते हैं ये इंडिंग ये स्टार्ट करने वाले हैं अपने टीम से, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये देखिए प्लेयर बैटल का, कौन किसको आउट करता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रखा कीजिए, जब भी टीम बनाइए तो स्क्रीनशॉट मार के रखिए, बाकी हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप ठीक है। और अगर बात करें ये देख सकते हैं अपना टेलीग्राम, जिसपे हम खुद का अपना टीम जो खेलते हैं आपको दे देते हैं, तो इसके लिए बस ज्वाइन बटन पर यहाँ पर क्लिक करिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन चाहे कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके हमारे टीम से आप कह सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और हमारी टीम से खेलना स्टार्ट करिए। एक दो बस प्लेयर को चेंज करना होता है, बाकी सबको कॉपी करेंगे तो आप जीत नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं जीतेंगे ठीक है। एक दो आपको चेंज करना पड़ेगा, चाहे सीबी से चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखें तो आपको समझ में आया होगा किसको हम सीबी से रखें किसको ना रखें, अगर नहीं समझ में आया तो आप समझना नहीं चाह रहे ठीक है। यहाँ देखिए आप ये आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है टीम, आप इसको क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लिए फिर से ठीक है, ये टीम हमारी बनी हुई है अभी के लिए ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने टीम में रख सकते हैं, और जब भी अपडेट होगा तो हम आपको टॉस के बाद अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। हाँ भैया इसको हम निकाल दिए, इसको हम रख लिया ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।